गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारा दूसरा दिन और हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 10। तो मैंने नहा धो लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। ब्रेकफास्ट यहाँ का जो था वो फ्री था, इसके रूम के जो पेमेंट है उसके साथ ही, और जो लंच डिनर था वो हम लोगों ने अलग से उसका पेमेंट करना पड़ा। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये होटल और ये रूम, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि आज संडे है, आज भी यहाँ पे सब कुछ बंद है। तो बैड लक हो गया, कल भी कुछ नहीं देख पाए और आज भी कुछ नहीं देख पाए, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम देने ही आई थी, लेकिन यह है कि बच्चों को प्लान बना के लाए थे कि कुछ थोड़ा सा घुमा देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, पर मेरी एक विश हो गई, उसी में खुशी हूँ कि मैंने डोनट तो खा लिए। और रीति की चार विश में से एक ही पूरी हो पाई डोनट खाने वाली, और तीन नहीं हो पाई। गंदे सैंडल लगा दे भाई, कह रहा तो गाइस, अब हम लोग घर के लिए निकलना है। और बुरा तो लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों ने एंजॉय नहीं कर पाया। दो दिन का इसीलिए प्लान बना के आए थे कि अच्छे से थोड़ा सा घुमा देंगे बच्चों को। और बस आज का ब्लॉग यही है, और थोड़ी सी आपको अभी बाहर की जर्नी दिखा देंगे। और ये हमारा जो होटल था वो ये हाईवे है, इसके बगल में ही था, यहाँ सामने हाईवे है होटल के। और ये रहा हमारा होटल, और अब हम जा रहे हैं घर। अभी बज रहा है 10 और यहाँ हो रही थोड़ी थोड़ी बारिश, मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और होटल की सर्विस और होटल का खाना, होटल में जो भी एक्सपीरियंस रहा हमारा दो रात एक दिन के लिए आए थे हम यहाँ, तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छा होटल है। अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं जेड स्क्वायर वगैरह घूमने, तो आप ये गगन प्लाजा होटल को ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो पता चल जाता है कि जा रहे हैं या आ रहे हैं कहीं, तो इतना दिमाग खा लेता है, तब से कह रहा है चलो 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 चलो। और ये है यहाँ का, इसी होटल का जो है वो हॉल है, मैरिज होम भी है इसी में। बैठ रहे हैं, पापा तो आ गए। आरब को तैयार कर दो, फिर वो एक सेकंड नहीं रुकने देता है, चलना है बस चलना है। दोनों बच्चे मेरे कभी भी बाहर या सफ़र में परेशान नहीं करते हैं, इंजॉय करते हैं खूब, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बाहर आने जाने में कहीं भी। तो दोनों ही घूमने के बहुत शौकीन हैं, तो अब उसको पता है कि कार में जा रहे हैं तो परेशान कर रहा है तब से। और ये अभी पेमेंट कर रहे हैं सारा रिसेप्शन पर, आएँगे फिर हम लोग जाएँगे घर। गार्ड खड़ा है तो आरब कह रहा बाय बाय पुलिस। अभी 10 बज रहा है, मौसम अच्छा है तो। और ये देखिए लॉकडाउन का नजारा, यहाँ पे सारी शॉप्स जो है वो बंद है। हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मौसम हो रहा है बहुत प्यारा, हल्की हल्की बौछार भी कहीं कहीं पड़ रही है। तो सोच रहे हैं कि बगल में बिठूर है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है बिठूर, तो हम लोग अब बिठूर जा रहे हैं 4 किलोमीटर दूर। और तो गाड़ी मुड़ा ली है हम लोगों ने, क्योंकि सोच रहे हैं कि कम से कम बिठूर ही देख लें।
रहा कह रहा है कि मुझे गाड़ी से उतरना है, उतरना उतर रहा है, अभी उतर रहा है। आरा परेशान कर रहा है, कह रहा है मुझे गाड़ी से उतरना है। तो हम लोग अब साईं बाबा के दर्शन करेंगे, मिठू रहेंगे और यहीं कहीं आस पास साईं बाबा का मंदिर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। चल रहे यहीं कहीं है आसपास साईं बाबा का मंदिर, तो हम लोग दर्शन करेंगे साईं बाबा के, क्योंकि तो कुछ भी नहीं देख पाया बच्चों ने, तो बहुत परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ दिखाओ। थोड़ा सा घूम लेंगे, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 10:30 का टाइम है। यहाँ का अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमें। यहाँ गंगा घाट है और ये है कानपुर की गंगा जी, जो कि है बिठूर में, बिठूर बोला जाता है। और अभी आगे घाट है, यहाँ पे पार्किंग के लिए देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क करें, और उसके बाद हम लोग आगे घाट पे जाएंगे। अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, इसलिए जगह नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे घाट पे दुकानें हैं, ये प्रसाद वगैरह। ये देखिए मम्मी ले रही है दुकान से कोई चीज, जो कि है ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, तो गोले गोले मीठे से आते हैं वो है। नहीं, और ये है कानपुर की गंगा जी, हमारे यहाँ भी है तो। और ये दर्शन करिए आप शंकर भगवान के। और गंगा जी काफ़ी उफान पे है अभी, तब भी लोग बाग नहा रहे हैं उस तरफ, और हम लोग तो इधर आ गए क्योंकि नहाना तो था नहीं, बस बच्चों को दिखाना था पानी। आरव इतना पानी देख के ही खुश, बहुत खुश होता है, इसलिए उसको पानी दिखाने के लिए ले आए। और ये है कानपुर का घाट। अभी गंगा जी में बहुत रिस्क है बोट वोट वगैरह में बैठने में, क्योंकि पानी ज़्यादा बहुत तेज है। आरव क्या है इसने? कह रहा कि आरव कह रहा है पानी को छूना। ए प्रीति उबरा, गंदा पानी है, यहाँ तक आए थे कुछ भी हम लोगों ने देखा नहीं, तो सोचा लाओ गंगा जी देख लें, तो इसीलिए हम लोग आ गए। और यहाँ पे कोई नहाने धोने का इंटेंशन नहीं है हमारा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और अभी बहुत ज़्यादा रिस्क भी है गंगा जी पे, बरसात का मौसम है, इसलिए इस टाइम तो गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए। जा रहे हैं वापस। ये है वाटर पार्क कानपुर का, और ये है बंद क्योंकि आज है संडे, लॉकडाउन है यहाँ पे, तो ये रास्ते में पड़ा है, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको बाहर से ही दिखा दें, अंदर तो जा नहीं पाए। दिखाओ आगे करके, दिखाओ थोड़े से सही से। ये देखिए फ्रेंड्स, सब लोग आए थे घूमने लेकिन घूम नहीं पाए। यहाँ से इसका एंट्रेंस है, आपको दिखाऊं तो मैं शीशा खोल के दिखा देती हूं। नहीं नहीं, अंदर दिख रहा है। चलो ये देखिए, दिख गया। पापा कार चलाओ। ये देखिए उधर देखिए टॉय, वो होते हैं वो कार्टून से, तो ये खड़े हैं।
और ये निकल गया वाटर पार्क। देखिए हम लोगों के कार। तो गाइस हम लोग सीधे घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन फिर टर्न ले लिया बिठूर के लिए। वहाँ पे देख लिया घाट गंगा जी का, और फिर दूसरा वहाँ साईं मंदिर भी था काफ़ी बड़ा अच्छा। तो वहाँ 12 बजे वाली आरती भी हम लोगों को मिल गई। 12 बजे रहा था उस टाइम साईं मंदिर जब देखा, तो वहाँ आरती भी हम लोगों ने कर ली 12 बजे वाली। अब 1 बजे हम लोग निकले हैं यहाँ से, तो 4 बजे तक पहुँचेंगे घर पर लगभग, क्योंकि अभी एक जगह हम लोग अभी रुके हुए हैं थोड़ा सा, और फिर खाना भी खाएंगे। तो 4 बजे जाएगा, 4:30 घर पहुँच जाएंगे 4 बजे तक। तो इस वीडियो में जो भी हम करेंगे शाम तक घर पहुंचने तक वो दिखाएंगे आपको, लास्ट तक बने रहिए। कहाँ पे हम लोग लंच करने वाले हैं वो भी, कानपुर की ट्रिप टू नाइट और 1 डे की। और जब से मेरा चैनल चला है तब से ये हम लोग पहली बार कहीं किसी होटल में रुके हैं, तो पहली बार ही मैंने वीडियो बनाया था जब से मैंने ये स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना। तो क्योंकि कोरोना है तब से 1 साल हो गई है मुझे, और कोरोना को हो गई है 2 साल, तो कहीं जाना आना हो नहीं पा रहा था। वो तो एग्ज़ाम के बहाने हम लोग निकले हैं घर से, तो थोड़ा सा घूम भी लिए। और अब दोबारा जो मेरा एक और एग्ज़ाम है वो है 6 तारीख को, इसी 6 को। तो ये भी TGT का ही है, और अभी जो मैंने दिया। और हम लोग फिर से आ गए हाईवे पे, आगरा लखनऊ हाईवे है ये, और अभी जो टाइम है वो 2 बज गया है, तो 2:30 का टाइम होगा। और ये है मधुबन रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुक गए हैं। और अभी बज रहा है 3:30, अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया था, ब्रेकफास्ट किया था केवल, तो लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा रेस्टोरेंट कोई नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे दिखा है, तो यहाँ पे हम लोग अब करेंगे लंच और उसके बाद जाएंगे घर। 1/2 घंटा लगेगा घर पहुँचने में। वो गीला है रीति, नहीं उस पर नहीं कपड़े। ये है यहाँ का मधुबन रेस्टोरेंट, आ रहे हैं यहाँ बेटा। हाँ तो हम लोग आ गए थे 4:30 बजे तक घर पे, और हमें मिल गया एक बार सरप्राइज़। तो आपने मेरी जो है बीच वाली मौसी देखी थी, आई थी पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही, तो उनसे तो आप मिल चुके होंगे। मौसी और उनके बच्चे आए थे, और अब मेरे यहाँ ये बड़ी वाली मौसी विद फैमिली, उनके भी 4 बेटे हैं और उनकी एक बहू भी है, तो सारे लोग आए हुए हैं। और मुझे 2:30 बजे पता चल गया था कि लोग आएँगे, तो फिर हम लोग आए थे यहाँ पर 7:30 बजे जब पहुँचे, तो सब लोग आ चुके थे 3:30 पर। तो अभी मैंने बनाया है छोले पूड़ी पुलाव, तो फिर लेकिन मैं सब लोगों से कल वाले ब्लॉग में मिलवाऊंगी, तो कल एक न्यू ब्लॉग आप देखना ना भूलें। सब लोगों से मिलवाऊंगी, मौसी और उनके बच्चे से। तो अभी मेरे घर में काफ़ी गेस्ट आ गए, करीब 5-6 लोग। तो आज तो बस इतना ही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, सुबह से निकले हुए सफ़र किया, 3.5 घंटे लग गए हम लोगों को कानपुर से यहाँ तक आने में। तो उसके बाद यहाँ आके फिर सबसे मिली मैं, उसके बाद चाय पानी किया, उसके बाद अभी खाना वगैरह बनाया। तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। और फिर से मैं एक बार बता दूँ कि अगर आप लोग अभी बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सैटरडे संडे का ना बनाएं, क्योंकि सैटरडे संडे लॉकडाउन है अभी भी, और कानपुर में भी सब कुछ बंद था, तो हम लोग ने कुछ इन्जॉय नहीं कर पाया। और
मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी तीन मौसी हैं, जिसमें से एक को मैं आपसे मिलवा चुकी हूँ, और ये दूसरी मौसी हैं जिनसे मैं आपको कल वाले ब्लॉग में मिलवाऊँगी। तो टेक केयर एंड बाय।